मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। एल्विश यादव का सिस्टम हुआ हैंग। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 के विजेता एल्विश यादव को कौन नहीं जानता। एल्विश यादव एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बीते कुछ दिन में एल्विश यादव ने सबकी नजरों में अपनी एक अलग जगह बनाई, लेकिन हाल ही में वे एक बहुत बड़े केस में फंस गए हैं, जिसके चलते अब ऐसा लग रहा है कि एल्विश का सिस्टम हैंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। दरअसल एल्विश के खिलाफ नोएडा केस सेक्टर 39 में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। इसमें बताया गया कि इस पार्टी में प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों की भी एंट्री होती थी। एल्विश यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की। यह मुकदमा बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में काम करने वाले गौरव गुप्ता ने कराया। आरोप ये भी है कि एल्विश यादव नोएडा और NCR के फार्म हाउसों में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं, साथ ही रेप पार्टी में सांप के जहर का भी यूज होता है। एल्विश के गैंग के लोगों से 9 जहरीले सांप बरामद। नोएडा पुलिस ने FIR के मुताबिक एल्विश यादव की रेप पार्टी में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल एल्विश यादव अभी मामले से फरार हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें से 20 मिलीमीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए हैं, और साथ ही इस मामले में एल्विश यादव समेत 6 नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। NGO पीपल फॉर एनिमल में वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्यरत गौरव गुप्ता ने तहरीर में लिखा कि सूचना मिली थी कि एल्विश यादव अपने साथियों के साथ नोएडा और NCR के फार्म हाउसों पर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी का आयोजन करते हैं। इन पार्टियों में बकायदा विदेशी लड़कियों को भी बुलाकर सांप का जहर और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इस सूचना पर हमारे एक मित्र ने एल्विश यादव से संपर्क किया और उनसे नोएडा में रेव पार्टी करने और उभरा बैंक का प्रबंध कराने को कहा। एल्विश ने मुखबिर को अपने एजेंट राहुल का फोन नंबर दिया और कहा कि मेरा नाम लेकर बात कर लो, इस सारी व्यवस्था करा। शिकायत के अनुसार उसने जैसे ही एल्विश का नाम लेकर राहुल से बात की, वह रेप पार्टी और अन्य घटनाएं कराने के लिए तैयार हो गया। मुखबिर ने उसे नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक बैंकवेट हॉल में मिला और उसकी सूचना JFO नोएडा और पुलिस को दी। राहुल और अन्य लोग वहाँ पर पहुंचे। ये अपने साथ 9 सांप और स्नेक वेनम लाए थे। इस बीच वहाँ पुलिस के पहुंच पर सभी को गिरफ्तार। एल्विश यादव का आया बयान। अब इस पूरे मामले में एल्विश ने कहा कि मैं एक खबर सुनकर उठा कि एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। एल्विश यादव ड्रग्स वगैरह के साथ पकड़े गए। मेरे बारे में ये सब बातें फैलाई जा रही हैं। मेरे ऊपर लगे ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये सब फर्जी है, इसमें एक भी प्रतिशत की सच्चाई नहीं है। मैं यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं यूपी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि अगर मैं 1% भी संलिप्तता के साथ पकड़ा जाता हूँ तो मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपसे या आपके पास सबूत नहीं है तो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बातें ना लिखें, मेरा नाम खराब ना करें। लगाए गए सभी आरोपों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। प्लीज मेरा नाम खराब ना करें।